Hello students, welcome to our YouTube channel Vidya Seva News. And this video is presented by Srimati Shantaben Haripai Gajera, English Medium School. In the previous lesson, we have studied about chapter number 3, that is birthday gift bought. But in this video session, we are going to study about chapter number 4, that is what time is it. So here we are going to discuss our important activity, that is activity number 2, that is based on a story, that is Rip Van Winkle. Rip Van Winkle was a lazy man, yani Rip Van Winkle वो एक आदमी का नाम है जो काफ़ी आलसी था. He would often go out of into his forest with his dog Wolf to hunt rabbit and squirrels. फिर वो कभी कभार यानी कि कई बार जाता था फॉरेस्ट में अपने डॉग और वुल्फ के साथ काफ़ी सारे रैबिट्स और स्क्विरल्स को मारने के लिए. ही वुड गो राउंड एंड हंट स्मॉल एनिमल्स. वो फॉरेस्ट के इर्द गिर्द जा रहा था और छोटे छोटे जानवर होते उसका शिकार करता था. वन डे रिप हेल्प अ स्ट्रेंज ओल्ड मैन कैरी अ बैरल ऑफ अ क्लियरिंग वेयर सेवरल अदर्स वर प्लेइंग अ गेम. अरे रिप सम ऑफ द पिंक वाटर फ्रॉम द बैरल अलोंग विद द कंपेनशंस. सुन ही फेल स्लीप. फिर उसको एक जंगल में एक ओल्ड मैन दिखता है जो काफ़ी सारे दूसरे लोगों के साथ एक गेम खेल रहा होता है. फिर उन लोगों को देखते ही वो जो रिप वैन रिंकल है वो वहाँ पे यानी कि जंगल में ही सो जाता है. वह ही अब ही वॉज अलोन. फिर जब वो सो के उठता है तब वो अकेला था. डीप लुक फॉर हिज गन. वो अपनी गन को ढूंढने लगता है. टू हिज सरप्राइज इट वॉज कवर्ड इन रस्ट. फीलिंग कन्फ्यूज एंड हंग्री रिप हर्ड फॉर हिज विलेज. फिर वो अपनी गन को ढूंढने के बाद वो काफ़ी भूखा लग रहा है तो भूख के मारे वो अपने गांव में वापस आ जाता है. When he reached there, जैसे ही वो वहाँ पे जाता है people gathered around him staring at the tattered clothes and long grey beard. जैसे ही वो अपने गांव में जाते हैं people उसके आजू बाजू आ जाते हैं और उसके जो फटे हुए क्लोथ्स है उनको और उसकी जो ग्रे बियर्ड है उनको देखने लगते हैं. Rip saw a young woman who looked like his wife. फिर उसको एक वुमेन दिखती है जो उसकी वाइफ के जैसे ही दिखती थी. ही आस्क्ड हर हू शी वॉज. वो उससे पूछती है कि वो कौन है. शी टोल्ड हिम हर नेम एंड सेड हर फादर हैड लेफ्ट द हाउस 20 years अगो विथ हिज डॉग एंड हैड नेवर सीन अगेन. वो पूछती है कि उसके जो फादर है वो 20 साल पहले इस घर छोड़ के चले गए थे अपने डॉग और वुल्फ के साथ जो कभी भी वापस नहीं आए थे. आई एम योर फादर cried Rip joyfully and told them all how he had been asleep for the last 20 years. फिर वो उसकी बेटी है उनको बोलता है कि मैं ही आपका फादर हूँ और फिर पिछले 20 सालों में क्या क्या हुआ है वो कैसे सो गया फिर 20 साल के बाद उठा वो सब बताता है. और नेक्स्ट एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन अ पोएम. लेट अस रीड इट. Clock tick, it is 6:30 in the morning, have to brush my teeth, have to go through bath, have to get ready for the school. यानी कि घड़ी में 6:30 है, मुझे दांत साफ करने जाना है, मुझे नहाने भी जाना है, मुझे स्कूल के लिए तैयार भी होना है. Clock tick, it is 7 in the morning, have to go to the kitchen, have to eat my breakfast then, have to food full me everywhere. फिर अभी 7 बज गए, मुझे किचन में जाना है और मुझे मेरा ब्रेकफास्ट करना है. Clock tick, it is 4 in the afternoon, have to do my homework, have to go to play in the garden, have me to relax after the whole day hard work. यानी कि 4 बज गए, मुझे मेरा होमवर्क करना है, उसके बाद मुझे खेलना जाना है, खेल के आके आराम करना है. Clock tick, it is time in the evening, have to settle my bed like a shelf, have to burden on the day off, have me win
माय गुड नाइट स्लीप। 9 बज गए, मुझे अपना बेड अच्छा करना है, उस पर सोने जाना है और अच्छी सी नींद लेनी है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी नंबर 4, दैट वी हैव गिवन सम क्वेश्चंस दैट वी हैव टू डू इट इन योर स्कूल। एक्टिविटी नंबर 5, यू हैव गिवन 6 क्लॉक्स एंड अकॉर्डिंग टू देम यू हैव टू टेल अस द आंसर दैट व्हाट टाइम इज इट इन द क्लॉक। एक्टिविटी नंबर 7, यू हैव टू रीड द प्रीपोजिशन एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू पुट इट इन द ब्लैंक। एक्टिविटी नंबर 10, यू हैव गिवन अ मैप ऑफ वर्ल्ड एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू टेल अस अ टाइम। So we end off now, students. I hope you found this video very helpful. If you have any question regarding this video, you can comment us down on comment section.